नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी का उपयोग हम अपने चेहरे पर किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब लोग जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है चेहरे के लिए, लेकिन क्या ये पता है कि उसमें क्या मिलाना चाहिए, कौन सी स्किन वालों पर लगाना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है, ये किसी को नहीं पता होता। सिर्फ ये पता होता है कि मुल्तानी मिट्टी जो है चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्किन वालों के लिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए मुल्तानी मिट्टी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है मिलाकर चेहरे पर लगाना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी मुल्तानी मिट्टी की। जैसे कि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो ड्राई स्किन वाले भी मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद स्किन ड्राई होती है, ठीक है। लेकिन मुल्तानी मिट्टी में ऐसी कौन सी चीज़ मिला है जिसके वजह से ड्राई स्किन वालों को भी ये फायदा करती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक अपनी अलग अलग वीडियो में ये आपको मैं इसके बारे में बताते रहूंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो आप जानते हो किस लिए है, तो हम फटाफट से रेमेडीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देखिए, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। ये आपको किसी भी मतलब पंसारी की दुकान में या किराने की दुकान में मिल जाएगा इजीली। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, ठीक है। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी जो है वो मिनरल से भरपूर होती है। ये स्किन के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद है और सेफ भी मानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी से चेहरे की हर समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जैसे कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं। ये आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। इससे जो है चेहरा आपका चिकना और मुलायम होता है, साथ साथ में आपके चेहरे का रंग गोरा भी होता है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ये ड्राइनेस को भी दूर करता है। लेकिन ड्राइनेस अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम अलग इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ चेहरे की जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, जैसे कि आपका चेहरा जो बिल्कुल ज़्यादा सांवला पड़ गया है, उसको गोरा बनाने के लिए आज की ये रेमेडी है। मैं फिर कभी दूसरी रेमेडी बनाऊंगी जैसे ड्राई स्किन वालों के लिए, तो उसमें मुल्तानी मिट्टी का हम उपयोग किस तरह से करें वो मैं आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों, चंदन पाउडर। देखिए, चंदन पाउडर एक तो घाव भरने में मदद करता है, जैसे कि आपको पिंपल्स हो गया है ना, पिंपल्स में जो घाव बन जाते हैं, जैसे छेड़ते हैं पिंपल्स को, है ना, या फिर पिंपल्स फूट जाते हैं, तो उनके जो घाव है वो भरने में मदद करता है। क्योंकि चंदन में एंटी माइक्रोबियल गुण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए ये घाव भरने की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 चम्मच के करीब। ये मुहासों को भी कम करता है, निशान और झुर्रियों को दूर करता है। तो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करने और एजिंग साइन को हल्का करने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्किन को कॉफ़ी से निखार मिलता है और डेड स्किन सेल्स हटाने में भी असरदार होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे तीसरी चीज़ कॉफ़ी। फ्रेंड्स, अब हमको देखिए ये बन के रेडी हो गया है। अब हमको लेना चौथी चीज़ यहाँ पर टमाटर का जूस, ठीक है। अगर आपको टमाटर सूट करता है ना तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप इसके जगह पर ले सकते हैं गुलाब जल, ठीक है। तो ये हमको इसमें ऐड कर देना है इसका जूस, क्योंकि देखिए अगर आपके चेहरे पर टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, तो ये उसको दूर करने में मदद करता है, क्योंकि एक नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है दोस्तों। ये त्वचा में कोलेजन लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये हमने इसका जूस इसमें निकाल लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है चेहरे पे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फेस पैक बनके तैयार हो गया है और इसको हमने छोड़ दिया था 1 से 2 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चेहरे पर कोई भी मेकअप हो तो उसको निकाल लेना है, अगर आपके चेहरे पर धूल मिट्टी गंदगी हो तो उसको भी आपको क्लीन कर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कॉटन बॉल और कच्चा दूध,
ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से और इस तरह से अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। देखिए सर्कुलर मोशन में करना है। मेरे चेहरे पे वैसे कोई मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई हुई है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पर अपने इसको 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से मतलब घुमा लेना है। ये देखिए दिख रहा है आपको एकदम क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है, आपको इसको पूरा पोंछ लेना है। अब इसके बाद आप चाहे तो अपना फेस धो भी सकते हो या इसको सूखने के बाद इस पैक को अप्लाई करना है। तो अब हमको क्या करना है, इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। देखिए इस तरीके से, आपको जो भी इजी लगे हाथों से या फिर ब्रश से आप इसको लगा सकते हो। इस तरह से आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। इसको आप कभी भी लगा सकते हो, जब भी आपको आप घर पर हो, आपके पास टाइम है, या फिर इसको आप सुबह लगा सकते हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अगर किसी किसी को टमाटर जो है बिल्कुल सूट नहीं करता, मतलब इचिंग होने लगती है ना, खुजली होने लगती है, तो आप क्या करिए, इसको स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पर अगर आपके पास संतरा है तो उसका जूस ले सकते हैं, या फिर मौसमी उसका जूस ले सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं है, कोई फ्रूट है तो इसके जगह पर आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे चेहरे पर, गर्दन के आसपास भी लगा सकते हो आप। कई बार क्या होता है ना कि किसी किसी की स्किन जो होती है ना, चेहरे की स्किन तो मतलब हर किसी की जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है ना, सभी लोग जानते हैं, बहुत कोमल होती है स्किन की, चेहरे की त्वचा। तो सूट नहीं करता है, किसी को नींबू का छिलटा नहीं सूट करता है, किसी को कॉफी नहीं सूट करती। तो अगर आप पहले से कुछ लगाकर आपको पता है कि हमको ये चीज सूट नहीं करती है, तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं, या फिर अपने हथेली पर यहाँ पर पैच टेस्ट करके देख सकते हो। अगर कोई फेस पैक लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमको थोड़ी सी खुजली हो रही है, तो पट से जल्दी से मतलब चेहरे को आप वॉश कर सकते हो। आपको फिर नहीं रखना है ज्यादा देर चेहरे को, चेहरे के ऊपर इसको देखिए, मैं जल्दी जल्दी में क्या बोले जा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको गर्दन पे लगा लेती हूँ। देखिए भाई, अभी करवा चौथ भी आने वाला है, 1 महीना बाकी है अभी करवा चौथ का पूरा पूरा, ठीक है ना। तो अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते होंगे और करवा चौथ में तैयारी करते होंगे, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि आप अभी से अपने चेहरे का ध्यान रखिए, तो करवा चौथ वाले दिन आप ही आप नजर आओगे बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा लिया है। तो करवा चौथ स्पेशल में भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया फेस पैक बताने वाली हूँ, अगर आप वो लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अगर आप पूरे महीने भर भी कुछ ना कर पाओ, तो मैं सिर्फ करवा चौथ के एक दिन पहले वाली भी वीडियो आप जरूर अपलोड करूँगी, आप उसको देखिए कि अगर आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया हो, मतलब चेहरे पर कुछ नहीं लगाया हो और पूरे महीने भर नहीं लगाया हो, आपने फेशियल भी नहीं किया हो, तो भी आपके लिए मैं एक फेस पैक ऐसे जबरदस्त बताऊंगी, मतलब ऐसा जादुई फेस पैक बताऊंगी कि उसको लगाने से आपके चेहरे पर निखार आएगा। तो दोस्तों मैं इसको छोड़ रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। अगर ये सूखता है, जितनी देर भी लगे, 10 मिनट में तो सूख ही जाएंगे, 10 मिनट के अंदर ही सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत पतली लेयर लगाई हुई है। तो सूखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हुए हैं मुझे 5 से 7 मिनट हुए हैं इसको लगाए हुए, और ये अब सेमी ड्राई हो गया है। मैं इसको सेमी ड्राई ही रखूँगी और अभी अपना फेस वॉश करके आऊँगी, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं रोज़ मतलब कुछ ना कुछ वीडियो बनाती हूँ, तो अपने चेहरे पर अप्लाई ज़रूर करती हूँ। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, पूरा ड्राई नहीं होने दूँगी, सेमी ड्राई में ही चेहरा वॉश करके आती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चेहरा वॉश कर लिया है। देखिए, अगर आपकी स्किन जो है थोड़ी सी झुल गई है, तो ये फेस पैक उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि कारगर है, क्योंकि देखिए मुझे बहुत चेहरे पर
एकदम फ्रेशनेस तो लगी रही है, लेकिन स्किन जो है बिल्कुल टाइट टाइट भी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। देखिए, अगर आपके पास इसके बाद में अगर आपके पास कोई अच्छा सा मतलब ऑर्गेनिक वाला मॉइस्चराइजर हो तो आप उसको लगा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेना है। आपको एलोवेरा जेल ले लेना है, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल। और अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो उसको भी इसमें ऐड कर देना है 2 से 4 बूंद, और इसको अपने फेस पर इस तरह से लगाना है। मतलब इस तरह से लगाना नहीं, अब जैसे रगड़ के नहीं लगाना है, बस ऐसे टैप टैप करना है बिल्कुल बस। बहुत अच्छा लगेगा आपको, सॉफ्ट लगेगा बिल्कुल बस। इस तरह से लगाकर छोड़ देना है, सूख जाएगा आधे एक घंटे बाद, तो उसको धो लेना है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो फिर आप जा सकते हो अपनी क्रीम वगैरह लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के जो भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बिना पैसे खर्च किए सिर्फ 5 रुपये, 5 या 10 रुपये की मुल्तानी मिट्टी का पैकेट आता है, आपको बता दूं मैं, या फिर खड़ी भी मिलती है, आप वो भी ला सकते हो। उसको थोड़ा 2-4, 1-2 घंटे पहले मतलब भिगा के रख दीजिए और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है दोस्तों। अगर आप इसको एक बार यूज़ करोगे ना तो आपको इसको बार बार यूज़ करने का मन करेगा, लेकिन आपको इसको हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार लगानी है। आप इसको रोज़ रोज़ ना लगाए, हफ्ते में 2 दिन लगाए तो ये आपको उतना ही रिजल्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी, तो लाइक करना तो बनता ही है, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल मिलूँगी और एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, जिसका कि आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।